करिश्मा मैडम सरप्राइज, पहचाना मुझे? चलिए अब इस खेल को फटाफट खत्म करते हैं। देखिए मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल गए, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको आपके हिस्से की मुक्ति दिलाऊं। एक और सरप्राइज आपके लिए। अरे अरे अरे, ये कोई टीकाकरण अभियान नहीं है, ये तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आपको मौत देने की। एक बार ये देने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब खामोशी से दबे पांव आई और आपको अपने साथ उठा के चली गई। अरे ट्रस्ट मी, दुनिया मरती है ऐसी खामोश मौत मरने के लिए। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर आप तड़प तड़प के मरी तो इसका मतलब ये बेकार है। सो लेट्स डू द ऑनर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, पांच पांच मिनट है आपके पास। अरे हसीना मैडम, हाँ अच्छा, इस बार आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? हमने तो कोई परफ्यूम डियो कुछ भी नहीं लगाया। मैडम हर इंसान की तो अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, आप जैसे नेक दिल और साफ इंसान की तो कुछ खास ही। अब बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया, वैसे भी हम बिन आंख वालों की जिंदगी तो अंदाजों पर ही चलती है। हाँ हाँ, ऐसे अंदाजे जो आपके अक्सर बिल्कुल सही निकलते हैं। नहीं बस ऊपर वाले का करम है, वो कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैडम, वो किडनैपर का क्या हुआ, वो पकड़ा गया है या अभी भी आजाद घूम रहा है? बचकर कहाँ जाएगा, जुर्म के जिस रास्ते पर ये अंधाधुन भाग रहा है उसका अंत सिर्फ डेड एंड है, इसलिए पकड़ा तो जाएगा ही, इनफैक्ट पकड़ा जा चुका है। ये मैडम, मैडम क्या कर रही हैं आप, ये क्या कर रही हैं? देखो तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, बात करते हैं इस बारे में, बात करते हैं, कोई रास्ता निकलेगा बीच का, ठीक है? यार ये घर है कि धर्मशाला है, जिसको देखो वो मुंह उठा के चलता चला आ रहा है अंदर। क्या गलती की मैंने बताइए, आप अपना हक ही तो मांगा है, और ये थैंक यू सो मच, अब इस गलती की सजा तो आपको मिलके रहेगी। एंड द काउंटडाउन बिगन। पुट योर गन डाउन। ऑफिसर यह गलती मत करना वरना इसको गोली मार दूंगा। आई सेड पुट द गन डाउन। मैं कह रहा हूं इसको गोली मार दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो ब्रो, तुम इन्हें मार दोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मर जाएंगी तो मेरे हाथ थाना लग जाएगा, तुम मर जाओगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मेरे हाथ में तो दो दो लड्डू आ जाएंगे ना। कमान कमान मार दो, शूट शूट। ये मजाक का टाइम नहीं है ऑफिसर, मैं इसे गोली मार दूंगा। अरे मार ना गोली यार, जल्दी चला। नहीं 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 नहीं, देखो तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम बैठकर बात करेंगे, कुछ कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। पांच मिनट बाद अगर आप आती तो ये आदमी हमें मार देता, ये आदमी इसे मार देता और इन्हें प्रमोशन मिल जाता, थाना मिल जाता, यही चाहते थे ना? अरे हसीना मलिक, हमारे काम करने का तरीका आप आज तक समझी हैं जो आप समझेंगी?
कंफ्यूज कर रहे थे हम उसे। अब चलिए लेकर चलिए इसे। चलो चलिए, आओ आओ चलो। तुमने ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जरिए अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया, ये तो हम सभी जान चुके हैं। तो सवाल ये है कि तुमने अवनी को क्यों किडनैप किया? ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं हो जाता सर। एक आम आदमी को बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है सही तरीके से ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सालों साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं। ये दुनिया देखना उसी के नसीब में होता है जिसकी जेब में भर भर के पैसे हों और मोबाइल में पड़े रसूखों का नंबर। मैंने अभी कई साल तक बहुत ईमानदारी से अपने नंबर का इंतजार किया और जब मेरा नंबर आया तो इस अवनी ने अपने पैसों का फायदा उठाकर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर वो आंखें अपनी दादी को दिलवा दी। मेरे हक की रोशनी उस दादी को दिलवा दी जिसके पास जीने के लिए आधी उम्र भी नहीं बची थी। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है सर? आप ही बताइए मुझे। मैं फिर से जीरो पे आ गया, वही 10 साल की पुरानी वेटिंग लिस्ट पर। और इस बार तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा नंबर आने तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। मैं टूट चुका था सर, ना उम्मीद हो चुका था। फिर मुझे राकेश मिला। इसने मुझसे कहा कि ये मुझे 10 लाख रुपए में आंखें दे देगा। मुझे आंखें तो मिल गई लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के अंधा बना रहा। दुनिया के लिए वही लाचार बेचारा अरुण जिसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जैसे तैसे राकेश के पैसे चुकाता रहा लेकिन फिर राकेश ने मुझ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर सही और जायज तरीके से मुझे वो आंखें मिल जाती तो मुझे इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता सर। तब मैंने सोचा कि बैलेंस पैसे लड़की देगी। पर हमको एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस छोटू चोर को काहे अपने घर के अंदर आने दिया? वो चोर मुझे अंधा समझकर अपनी चोरी का सारा माल मेरे घर में छुपाता रहा और जब मुझे ये पता चला तो मैंने अवनी को किडनैप करने का प्लान बनाया। सोचा तो यही था कि उस किडनैपिंग का इल्जाम मैं उस चोर पर डाल दूंगा, लेकिन जो भी हुआ आपके सामने है। वाह क्या बात, कितनी कमाल की है ना इंसानी फितरत। कोई तो अपने पैसों का फायदा उठाकर दूसरों का हक मार लेता है, तो कोई दूसरों की हमदर्दी का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लेता है। कौन सही कौन गलत ये अब कौन तय करे। अवनी ने जो किया वो गलत था ही, लेकिन जो तुमने किया वो भी किसी मायने में सही नहीं है मिस्टर। अगर तुमने सिर्फ अवनी को किडनैप किया होता तो भी मैं इंसानियत के नाते समझ जाता तुम्हारे अंदर का आक्रोश, लेकिन आंखें होने के बावजूद भी ऐसे अंधेपन का नाटक करके तुमने लोगों की भावनाओं के साथ जो खेला है उसके लिए तुम किसी भी नजरिए से माफी के काबिल नहीं हो। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा हुआ पुराना, अब है लॉजिक का जमाना, और हमारे लॉजिक के हिसाब से इस इंसान को किसी भी तरह की हमदर्दी की नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है। श्रीवास्तव जी ले जाइए इन दोनों को। और अवनी तुम, माना कि तुमने यहां जो किया उसका हिसाब किताब है नहीं, लेकिन वहां ऊपर उस कोर्ट में तुम्हें पूरा हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन का इंतजार करो, जा सकते हैं आप लोग। मुबारक हो, यह केस भी हम दोनों में टाई रहा, सो हाफ कॉन्ग्रेट्स। शराफत के कितने ही नकाब लगा लो मिस्टर अमर विद्रोही, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से जानते हैं। ये थाना तो हम तुम्हारा होने नहीं देंगे। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गोलगप्पे आपके पास। मैडम चटनी ठीक है की और डालें? ठीक है उनको भी दो। वैसे ओ अच्छे तो हैं बहुत, मगर तिवारी के गोलगप्पों में जो बात है ना वो किसी और गोलगप्पों में नहीं है। मतलब तिवारी के गोलगप्पे लाजवाब। दीजिए ना भैया। अरे दीजिए, देखा ही नहीं रहे, दीजिए। चाहिए चाहिए, तिवारी जी के गोलगप्पे खाइए, हमारे गोलगप्पे में वो स्वाद कहाँ, हमारे बेस्वाद गोलगप्पे का ही झेल नहीं है आप। क्या भाई साहब आप भी बुरा मान गए, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए आप है, तिवारी तिवारी है। हाँ, इनके कहने का मतलब यही है
मतलब बच्चन साहब और रजनी सर इनमें कंपेयर ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। मतलब बच्चन साहब सुपरस्टार, रजनी सर सुपरस्टार, उनकी बात अलग, इनकी बात अलग, है कि नहीं? तो आप है बच्चन सर है और तिवारी जी है वो रजनी सर है, ये ऐसे समय वो हम ऐसे आ रहे थे। आप तो काम का छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे, दिल को लगा रहे, लीजिए ना भैया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ तो नहीं समझ में आ रहा तो गोलगप्पा खाओ ना। हमारी तरफ आ ही नहीं रहे गोलगप्पे, कहाँ से खाए। लेकिन देखो गोलगप्पे के पीछे आप लेडीज महिला इतनी पागल क्यों है, दीवानी क्यों है? मतलब गोलगप्पा तो गोलगप्पा होता है। अब हम समझाते हैं, अभी समझाते हैं इसको। आप जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। थैंक यू। आओ बिल्ले, गोलगप्पा गोलगप्पा तुम्हारे लिए होगा, हम औरतों के लिए गोलगप्पा ना एकदम साधना होता है। मतलब एक सेकंड के लिए हम ये सारे झगड़े टंटे सास सब भूल जाते हैं, एकदम इसको खाते ही ना एकदम आनंद सा आ जाता है, समझ रहे हो? बेस्वाद जिंदगी भी जो है ना वो स्वादिष्ट हो जाती है ऐसे। और नहीं तो क्या, बहुत से परेशान होने के बाद जब एक गोलगप्पा खाते हैं ना सब भूल जाते हैं, स्वर्ग सुख का आनंद मिलता है, आनंद की पराकाष्ठा होती है गोलगप्पे। बिल्ले बिल्लू जी, सारी दुनिया एक तरफ और गोलगप्पे एक तरफ है। अच्छा, अगर चीता और गोलगप्पे में से किसी एक के साथ आपको डेट पर जाना हो तो किसको चूज करेंगे आप, बताओ? तो कोई पूछने वाली बात है ये, गोलगप्पे और क्या है? अच्छा हुआ चीता यहाँ नहीं है, निठल्ला नहीं है, तो नहीं तो गोलगप्पे के पानी में डूब के मर जाता। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप किसको चूज करती? गोलगप्पे को। नहीं नहीं, चीता और गोलगप्पे के बीच में नहीं, इनके लल्ला और गोलगप्पे के बीच में क्या चूज करेंगे आप? देखो बिल्ले, ऐसा है कि गोलगप्पा एक तरफ और पति एक तरफ, समझे? अगर हमें दोनों में से एक चूज करना होगा ना तो हम सिर्फ और सिर्फ ये गोलगप्पा चूज करेंगे। पता था हमें, हाँ आप गोलगप्पे को ही चुनेंगे क्योंकि आपकी नजरों में हमारे लल्ला की औकात इतनी है, एक गोलगप्पे से भी गई गुजरी। या तो खा लीजिए या कोस लीजिए भैया, इनको पानी दीजिए खांसी। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, इसमें तीखा पानी डालिए, बहुत मीठा मीठा बना रहे हैं आप। और हाँ, अगर हमें कोई पूछता ना या तो गोलगप्पे या तो लल्ला के पप्पा, तो हम लल्ला के पप्पा को ही चुनते क्योंकि प्यार तो हम लल्ला के पप्पा से बहुत करते हैं। अरे उनके लिए तो ऐसे 100 गोलगप्पे कुर्बान। जय हिंद। जय हिंद। आप तो पुलिस नहीं है, आप क्यों जय हिंद कह रहे हैं? अब नहीं रहे पर कभी तो थे, बहुत पहले जब हम जवान थे। सालों पुरानी आदत ऐसी थोड़ी ना छूटती है मैडम। पुष्पा सिंह का है, मिलना उनसे। आप जानते हैं पुष्पा जी को? बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। क्या काम है आपको पुष्पा जी से, कुछ जरूरी बात है? थोड़ा पर्सनल काम है, बुला देंगे तो मेहरबानी होगी। जरूर जरूर बिल्कुल, इनफैक्ट वो देखिए आ गई पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। पुष्पा जी देखिए आपसे मिलने कौन आया है, कह रहा है कि आपका रिश्तेदार है। कौन है बेटा, कहाँ से आए हो तुम, हमारे कौन से रिश्तेदार के यहाँ से बताया तुमने? तुमने मुझे पहचाना नहीं पू? क्या कहा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं, उसके बाद आखिर में पू। देखो 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 कैसा बदतमीज लड़का है, पू कहता है मैं पू। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे पास? हमें तो सिर्फ लल्ला के पप्पा ही प्यार से पू बुलाते थे, और वो भी बहुत सारे प्यार से। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई लाड़ प्यार वाला रिश्ता तो है नहीं, तो तुम किस अधिकार से हमें पू बुला रहे हो? हाँ लाड़ का नहीं पर प्यार का रिश्ता तो है तुमसे। ठीक से देखो और पहचानो पू, ये हम हैं, तुम्हारे लल्ला के पप्पा, तुम्हारे पति, तुम्हारे प्यारे हेड कॉन्स्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह। पुष्पा जी कब कब बाल विवाह किया आपने? अभी तो मार्केट में कह रही थी कि गोलगप्पे नहीं लल्ला के पापा को चुनूंगी, अपना नहीं कम से कम बच्चे की तो उम्र का ख्याल रखा होता। माँ ये मिनिएचर पापा कैसे कब कैसे? अरे चुप करो, और देखो बच्चे तुम छोटे हो इसलिए हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, वरना किसी और ने हमारे साथ अगर ऐसी बदतमीजी की होती ना तो अब तक उसको जेल में डाल के अच्छे से कूट लिया होता हमने, समझ गए? भागो यहाँ से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पू, कौन मानेगा जो 12 साल पहले मर चुका हो वो दोबारा जन्म लेकर तुम्हारे सामने ऐसे आ खड़ा हो। और सच यही है कि हम ही है तुम्हारे प्यारे सिंह, पुनर्जन्म लेकर तुमसे वापस मिलने आए हैं।
शर्म नहीं आता है तुमको थाने में आके एक बावर्दी महिला के साथ तुम ऐसा ऐसा घटिया मजाक कर रहे हो? लगाएंगे कंटाप, हो जाओगे संटाप, भागो यहाँ से। हम भी आपके सीनियर होने का लिहाज कर रहे हैं और ना हम भी किसी की सुनने वाले में से नहीं है। माफ करना, हम पुष्पा जी से बात कर रहे हैं और आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? एक मिनट, बहू है वो हमारी। ची 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 ची। बहू है तो बहू के कायदे में रहना, ऐसे ससुर जी के सामने बिना घूंघट की कैसे आ गई? तुम्हारी तो उठा के बाहर फेंक देंगे अभी हम तुम्हें, निकलो यहाँ से। तो हमारे नन्ना के तो भाग ही फूट गए। वो ये कैसी निर्लज और बदतमीज बीवी मिली उसे? एक मिनट, एक मिनट, शांत 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 हो जाइए, हम बात करते हैं। देखो बेटा, ये जो तुम कॉन्सेप्ट लेकर आए हो ना पुनर्जन्म का और रीइनकार्नेशन का, ये आइडिया बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड हो चुका है। कैसे विश्वास दिलाया आपको? यकीन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्योंकि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो हमें कैसे पता कि वो है? कितनी पागल थी ये हमारे लिए, हमसे शादी करने के लिए इन्होंने कितने काले जादू किए। हमने तो इनकी सहेली को पसंद किया था शादी के लिए। पूछिए किसने बाजी मारी बीच में, किसने आग लगा कर रिश्ता तुड़वाया हमारा सिर्फ हमसे शादी करने के लिए? अगर हम प्यारे सिंह नहीं है, इनके पति नहीं है, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर हमें ये सब कुछ कैसे पता? पता ही होगा ना सबको, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? सारे रिश्तेदार, सब मोहल्ले, सबको पता है। अम्मा इतने सालों से रोज रात को दो पैग लगाती हैं, मोहल्ले के जितने भी कुत्ते बिल्ली हैं सबको लेती हैं इकट्ठे और सारी कथा सुनाती है अपनी। कौन सा बड़ा बात है? पता है सबको तुमने कोई तीर नहीं मारा है भैया, समझ गए? अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है। पू और बहू चलो मेरे साथ। जाइए जाइए, चलो चलिए। और तिवारी जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबको खिला दीजिए गोलगप्पे। हाँ बिल्कुल, आइए। हाँ तो पॉइंट ये है कि सारी महिलाओं को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को खास चाट वालों के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। जैसे पूको शादी के पहले से ही तिवारी जी के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। याद है शादी के अगले दिन हमने तिवारी जी के गोलगप्पे खाए थे? तब हमने पहला गोलगप्पा अपने हाथों से खिलाया था तुम्हें और कहा था पहले से ही ये गाल तेरे गोल गोल, गोलगप्पा खाके होंगे गप्पा गप्पा गोल गोल। क्या हुआ पू, इश नहीं क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये हम ही है पू, तुम्हारे प्यारे। अब तो विश्वास करो। आप तो सच में हो? हाँ पू, हमारा विश्वास करो, ये हम ही है। याद है हॉस्पिटल में मरने से पहले हमने तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुमसे वादा किया था, चाहे जो हो जाए हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, वापस जरूर लौट कर आएंगे। हम आ गए, हमने अपना वादा पूरा किया ना। चलो अब टेस्ट करके दिखा दो। इश। पैर छू रहे हैं आपके। सदा सुहागन रहो। अरे वो मस्ती कर रहा है। अरे क्या मस्ती कर रहे हैं? और इसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? ससुर है, पैर छुआ? आपका दिमाग टोपा गया है, हमारा दिमाग नहीं टोपा है। ये 1.5 फुट हमारा ससुर होगा क्या, इसके पैर छुएंगे हम अभी? हम नहीं छुएंगे किसी के पैर। चलिए आप, क्या ये फालतू गिरी लगा रखी? कैसी अड़ियल बहू पल्ले पड़ी है तुम्हारी पू। अच्छा अब क्या कहें, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, मगर हमारे भाग खुल गए, आप जो वापस आ गए। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरी लीला है, अपरंपार, मिला दिया है बिछड़ा प्यार। लल्ला के पापा।
इसके माँ बाप को ढूंढकर ये ड्रामा यहीं खत्म करना होगा।